नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीड न्यूज में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत माही श्रीवास्तव जी, जो कि पटना की रहने वाली हैं। नमस्कार माही जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका लीड न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद आपका। हाँ बढ़िया है आप? हाँ, मैं अच्छी हूँ, आप सभी बताइए। सब बढ़िया है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? जी, मैं अभी पटना में हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको दिल से और हमारी धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से। आपका गाना पवन स्टार पवन सिंह जी के साथ जो पुदीना वाला सॉन्ग आया, एकदम धमाल मचा दिया, हाँ, जो कि गाना बार बार ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक सेक्शन में। YouTube म्यूजिक पे बहुत ये ट्रेंडिंग में है, 2-3 बार हो चुका है शायद। जी, तो आई थिंक कि आपने डेब्यू भी किया है पवन जी के साथ। हाँ, तो पहली बार डेब्यू में वो भी पवन जी के साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा शेयर करिए पब्लिक से। जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जी नॉर्मल, मतलब मैं ये जानती थी कि पवन जी के साथ काम करने का ये ऑफर है या फिर जो भी है, बट नर्वस नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे काम की ना बहुत पहले से एक्साइटेड ये एक्साइटमेंट थी कि मैं पवन जी के साथ काम करूं जी जाके, तो मैं नर्वस नहीं थी। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और सभी मतलब जूनियर आर्टिस्ट को समझा समझाते हैं कि ऐसे एक्ट करो, ये मत समझो कि मैं पवन सिंह हूँ। तो हाँ अच्छा लगा जब उन्होंने सपोर्ट किया कि आप एक्ट करो, आप नहीं सामने में मत सोचो कि पवन जी हैं, सोचो कि कोई नॉर्मल आर्टिस्ट है जो मेरे साथ काम कर रहा है। वही तो पहली बार में ही आपने इतना बड़ा धमाल मचा दिया है। अब उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, कि बिल्कुल माही बिल्कुल। जी आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, ये सब वगैरह। प्रॉब्लम तो बहुत फेस करने को हुआ है। जब मैं जी इंडस्ट्री स्टार्टिंग में आई थी, तो हाँ होता है ना कि कोई आपको पहचानते नहीं है, और इंडस्ट्री में ऑलरेडी भी सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। जी अब उनके सामने खड़े होने के लिए तो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जो हम लोग हमारे पास या फिर किसी भी फ्रेशर के पास नहीं होता है। तो बस वही, उसी में मेहनत करने में बहुत 4-5 महीने बीत गए। फिर उसके बाद काम स्टार्ट हुआ, उसी बीच लगता था कि पता नहीं घर चली जाऊं, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे माइंड में बातें आती थी, पता नहीं एक्टिंग बना भी है कि नहीं मेरे लिए। फिर ये तो सोचती थी कि नहीं, कर लूंगी चाहे जैसे भी हो, इसलिए अभी तक पटना में हूँ। वाह। तो ये पूछना चाहूंगा कि जैसे फैमिलियर सपोर्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर इन लाइन में घुसना चाहते हैं तो फैमिली वाले बोलते हैं कि क्या ये सब कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, पढ़ो लिखो, ये सब बकवास है। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ, ये बताइए। नहीं, मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट है, जी रहता भी है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इस लाइन में एंट्री किया है। अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन वगैरह मेरी सारी हो चुकी थी, और अच्छा मतलब मुझे शौक था, मतलब टिकटॉक वगैरह पे भी मैं बहुत मेहनत करती थी, तो 2 मिलियन टिकटॉक पर भी थे। तो इस वजह से घर वाले जानते थे कि इसको एक्टिंग के प्रति, मगर हाँ, मेरी मम्मी थोड़ा मोड़ा मतलब मुझे नर्वस करती थी कि बाबू अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर जान हम लोगों की तरफ, गांव सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे ये वो। मगर हाँ, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता था, अच्छा मेरा मुझसे 3 साल बड़ा एक भाई है मेरा, जी पारस नाम है उसका, वो मेरा बहुत सपोर्ट करता था कि अगर तुम करना चाहती हो तो तुम करो, तुम जाओ। अच्छा। तो बहुत बहुत इस ये जो आपने उन्नति पाई है, इसके लिए बहुत बहुत श्रेय देना चाहूंगा आपके भाई श्री को भी। हाँ, उन्होंने आपके टैलेंट भाई को। है। मेरी मम्मी ही मुझे थोड़ा सा मतलब नर्वस करती थी, अब तो वो भी सपोर्ट कर रही हैं, मगर मेरी बड़ी बहन और मेरा भैया मुझे बहुत सपोर्ट करता था कि तुम जिस चीज में खुश हो तुम वो करो। हाँ। तो उन्होंने आपके टैलेंट को देखा और निखार दिया। बहुत हाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने पवन जी के साथ गाना किया, ये इसका प्रोसेस क्या रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग तरसते हैं उनके साथ काम करने के लिए और आपने उनके साथ काम किया और बखूबी निभाया भी। तो क्या राज है कि हम भी पवन सिंह जी के साथ काम कर लें, ये बताइए।
अच्छा आपको करनी नहीं है? अच्छा नहीं न्यू कमर्स के लिए बता रहा हूँ, मुझे भी करनी है। अरे अच्छा मौका मिलेगा तो मैं भी करूंगा, कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए, फिर मैं जरूर आपका इंटरव्यू लूंगी। हाँ एकदम एकदम बेशक। हाँ तो देखिए, वो, हाँ वो राज बताइए जिससे आपने पवन जी के साथ काम कर लिया, थोड़ा हम भी जाने। जी राज कुछ खास नहीं है, बस आप मतलब जिस चीज को लेकर इंडस्ट्री में आए हैं उसके पीछे आप लगे रहिए, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में मुझसे पवन जी ने भी पूछा था कि बाबू जी आप इंडस्ट्री में कैसे आए, तो अच्छा मैंने मतलब अचानक जवाब दे दिया, पता नहीं आपकी वजह से। तो उन्होंने अच्छा बोला मतलब आप मुझे ब्लेम कर रही है कि आप मेरी वजह से अच्छा इंडस्ट्री में। और मैं बोली मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा रीजन था कि मुझे पवन जी के साथ काम करना है। वाह तो बस मैं सोचकर ही इंडस्ट्री में यही आई थी, इसलिए बहुत लोग तो बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं काम करने के लिए उनके साथ, और मैं उनका मतलब पेशेंस को भी भाई बहुत बहुत की करती हूँ कि वो लोग अभी भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर मुझे जी। पता नहीं क्यों जल्दी मिल गया ये चीज। इसके लिए पवन जी का भी शुक्रिया अदा और सभी ऑडियंस का भी, क्योंकि एक दो वीडियोस मेरे आए थे मार्केट में हाँ तो उनको शायद उन्होंने देखा था, तो मेरी अच्छा बात वहां तक गई कि एक लड़की है काम करती है मतलब मार्केट में है अभी, तो फिर उनकी तरफ से काम का था, फिर मैं गई थी काम करने के लिए। यानी कि उनकी टीम की तरफ से कॉल आया था आपको कि मेरा माइंड। मतलब मेरा एक ही जुनून ही था कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं तो पवन जी के साथ काम करूं। अच्छा, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दुआ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एक बात बताइए कि बॉलीवुड के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए मैं बॉलीवुड बहुत कम चांस है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं साउथ जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो भोजपुरी में जो गाना किया आपने उसके लिए ऑडिशन भी देना पड़ा था क्या? हाँ मेरा सिलेक्शन स्टार्टिंग से ही ऑडिशन को हुआ है, ऑडिशन से ही अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था देवदास के डायलॉग पे जो 1 मिनट का था, उसी वीडियो से हर जगह मेरा सिलेक्शन होता था, होता है भी। वो वीडियो शायद मेरे लिए बहुत लकी है पता नहीं, तो वो वीडियो ही मैंने पवन जी के पास भिजवाया था कि सर जो जिसने भी वो उनके सामने दिया कि ये लड़की काम करती है, तो शायद उनको वो वीडियो पसंद आई थी जो उन्होंने बोला था कि लड़की को मतलब उस लड़की को बुलाया जाए एक्टिंग करने के लिए। तो ये बताएं आप कि अब आगे का जो रास्ता है वे है वो आप किस टाइप से चलना चाहती हैं, कि सिर्फ एल्बम्स में ही काम करना है आपको या फिर मूवीज वगैरह ये सब नहीं भोजपुरी? नहीं एल्बम, सिर्फ एल्बम नहीं करना, बहुत मतलब कभी एल्बम आया तो करना है, मगर अच्छा हाँ मेरी फिल्म है, मैं साइन कर चुकी हूँ, दो तीन अच्छा मूवी है। यानी कि बहुत जल्द धमाका देखने को मिलेगा। तो किसके हाँ साथ काम करना पसंद करेंगी मूवी में? देखिए मुझे काम करना सभी के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि सब किसी के भी साथ आप काम कीजिए सभी आपसे सीनियर है, तो एक्सपीरियंस आपका दुगना होता जाता है। जी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी सारे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं, निरहुआ रवि किशन हैं, मनोज तिवारी जी हैं, हमारे रितेश पांडे जी हैं, इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सभी के साथ काम करना चाहती हूँ। मौका और काम करना चाहने से कुछ नहीं होता, आप कैसा काम करते हैं इससे कुछ होता है, मैं मेहनत कर रही हूँ, अब देखते क्या होता है, आप लोग सभी को पता तो चलेगा ही। सपोर्ट रहेगा आपको हमेशा हमारा। तो एक्टिंग के अलावा अगर आपसे बात की जाए सिंगिंग वगैरह इन सब में कितना इंटरेस्ट रखती हैं आप? नहीं मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी नहीं, हाँ, अचानक से ऑफर मिले कि पवन जी के साथ गाना गाना है तो अच्छा मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा यानी कि एक्टिंग ही आपका मेन पर्पस है। हाँ एक्टिंग है, और मुझे घर का काम अच्छा लगता है, मतलब कुकिंग अच्छा लगता है। अरे वाह, तो कुकिंग हमको भी जरूर बना के खिलाइएगा कभी मिलेंगे आपसे तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, खिलाऊंगी। अब आप बताएं हमें कि आपको आपके लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन होगा जिसको आप अपना आइडियल मानती होंगी, अपना आदर्श मानती होंगी। मेरे नाना जी, हाँ जरूर बताइए क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं इस बात को। मेरे नाना जी जो हमारे इकलौते आइडियल हैं, जिनको मैं मतलब अपना आदर्श मानती हूँ, और मैं जी हमेशा जब तक मैं हूँ तब तक तो मानती रहूंगी, क्योंकि अच्छा, किस टाइप से प्रेरित करते थे वो आपको? प्रेरित नहीं उनको, उनका मोटो हमेशा ये रहता था कि दुनिया ऐसी है और आपको ऐसा बनना है कि आप दुनिया से हमेशा
जो भी आपको हराने की कोशिश करे आप उनसे एक कदम आगे रहें। वाह, उनका सिर्फ हमेशा यही मोटो था, उनका था कि मेरे बच्चे आगे जाएं, पसीना जी था। जी और ऐसा नहीं है, मेरा मतलब परवरिश भी उन्हीं के मतलब छांव में हुआ है। जी बहुत खूब। आपके नाना जी का भी बहुत बड़ा हाथ है आपके सक्सेस के पीछे। बहुत बड़ा नहीं, मेरे लाइफ मतलब आज मैं हूँ, इस दुनिया में हूँ, तो उनका ही हाथ है, वरना शायद मैं आज ना होती ऐसा। बहुत बहुत खूब। और आज वो अभी हमारे बीच अभी दुनिया में नहीं है, तो मुझे तो बुरा बहुत लगता है कि मैं जी आज उस मुकाम पे हूँ पर वो मुझे देखने के लिए नहीं है, मगर जहाँ भी है वहां से देख रहे होंगे, जरूर देख रहे होंगे। एकदम एकदम, ये तो लाइफ का एक पार्टी है। लाइफ और डेथ, ये जो है एक पार्ट है लाइफ का, ये तो होता रहता है। लेकिन आपने उनका सपना पूरा कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे। नहीं, उनका सपना ये नहीं था कि मैं एक्टिंग करूं, उनका सपना ये अच्छा था कि मेरे बच्चे बन जाएं, किसी भी फील्ड अच्छा में जाएं मगर अच्छा करें। जी, तो बहुत खूब, आपने उनका सपना पूरा किया और बहुत आगे जा रही हैं आप। हमेशा दुआ है आपके आप लोगों का सहयोग है। साथ। एकदम एकदम। तो ये बताएं आपको कि आप एक एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस बनना भी चाहती हैं बहुत बड़े पैमाने पे, तो भोजपुरी में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, तो आप किनको लाइक करती हैं, किनको पसंद करती हैं, किनके जैसा बनना चाहती हैं? देखिए, पसंद करने की जहाँ तक बात है, वहाँ जी तक मुझे सारी एक्ट्रेस अच्छी लगती हैं, मगर मतलब मैं जिनको देखकर सीखती हूँ वो है मतलब आम्रपाली दुबे जी, क्योंकि उनको जी देखकर मुझे सीखने मिलता है। वाह और मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहती, मैं जैसी हूँ मैं वैसे मैं नाम करना चाहती वाह, बहुत अच्छी लगी, बहुत खास बात है आपने ये। हूँ, क्योंकि वो अपनी जगह पर आम्रपाली दुबे हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मुझे लोग मेरे नाम से जाने तो वाह, अच्छा होगा। यही 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 चीज आपको बहुत आगे ले जाएगा माही जी। बहुत सारे सिंगर भी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आपको किन की गायकी बहुत बेहद पसंद है, ये भी शेयर करिए हमसे। जी पवन जी की तो कोई बात ही नहीं है कि अब जी तो ये मेरा वीडियो बता रहा होगा कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन थी। और उसके जी बाद फिर सारी सिंगर की लगभग अच्छी लगती है, मगर उसके बाद किसी की अच्छी लगती है तो एक सिंगर है नवरतन पांडे। अच्छा। और फीमेल में तो बात करें तो फीमेल में बात करें तो प्रियंका सिंह जी की अच्छी लगती है। वाह क्या बात है। तो आप हमें ये बताइए, सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा आपसे, कि अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है या नहीं, कितने हैं, क्या है, कैसे है, थोड़ा इसको क्लियर करिए। अच्छा अभी मैं क्लियर नहीं कर सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि बहुत सारे हैं। अच्छा हाँ, अभी मैं नहीं बोल भोजपुरी। सकती, बस फिल्में, मतलब ज्यादा फोकस अब मेरा फिल्म पे है, जी फिल्में हैं और एल्बम्स भी हैं, जी पर अब फोकस तो भोजपुरी में तो धमाल करेंगे ही, तो आप इतना बताइए बस कि बॉलीवुड में कोई प्लान है या नहीं अभी? पे है। नहीं, मेरा बॉलीवुड का कोई प्लानिंग नहीं है, मेरा साउथ का प्लानिंग है। साउथ का प्लानिंग है, मतलब धमाल दिखाएंगे ना अपना। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर मेरे इंटरव्यू देने पर मजबूर हो जाएंगे, इसका दावा एकदम, करके अगली बार नेक्स्ट टाइम ये लाइव इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके पास खुद चल के आएंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ रही हैं दिन पर दिन, तो कहीं हमें भूल ना जाए, इसी का डर है माही जी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है नहीं, आप। मुझे एक बात और भी कहना था। जी। देखिए, हर कोई चाहता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिले, जी मगर जी उस चीज को पाने में किसी ना किसी का सहयोग जरूर होता है, या फिर आपको जी दिलाने में। हम लोग हमेशा भगवान को कहते हैं कि भगवान भगवान ने मुझे ये दिया, मगर भगवान खुद तो आकर नहीं देते, भगवान अपनी रूप में किसी इंसान को आपके पास भेजते हैं जो आपको वो दिलवा सके। जी तो मेरा शौक था कि मैं इंडस्ट्री में आऊं, पर कोई लिंक नहीं होता कि भाई इंसान जा सके, और अगर जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि बहुत चीजें गलत की तरफ भी मतलब क्या सिग्नल देती है कि आप अगर ऐसा करें तो पता नहीं कुछ गलत हो जाए लाइक। तो उसी बीच मुझे ये नवरत्न पांडे, जिनका मैंने नाम लिया, वो एक सिंगर है, जी वो मिले थे। आज अच्छा मैं जो कुछ भी हूँ इस इंडस्ट्री में, या मैं कल जो भी कुछ हो पाऊंगी, जी या जी फिर इस एक्टिंग की दुनिया में मेरा जितना भी नाम होगा, वो
उन्हीं का दिया हुआ मतलब मुझे है, उन्हीं के रूप उन्हीं के मतलब द्वारा मुझे ये प्राप्त है, वरना आज ये ना होता। वाह वाह, क्या बात है। तो हमारी तरफ से भी उनको बहुत सारी सराहना है दिल से। बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो उनकी हमेशा आभारी हूँ, और जब तक ये सांस रहेगी तब तक रहेगा ही उन पर ये मेरा। हाँ, तो अब एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा पूछ ही लूँ। जी जी, आप पूछते रहिए, मैं आंसर करती जी तो रहूंगी। क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्रियल लाइन जो होता है वो चाहे जी बॉलीवुड हो, साउथ हो या फिर भोजपुरी हो, हर एक लाइन में एक चीज बहुत फेस करने को मिलता है कि कोई भी जैसे नया लड़का या नया लड़की आगे बढ़ती है तो पीछे से उसको रोकने की कोशिश की जाती है, टांग खिंचाई की जाती है। तो आपको ये सब कितना फेस करने को मिला? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स है जो कि ट्राई कर रहे हैं इंडस्ट्री में घुसने की, तो आप बताएंगे तो बहुत ज्यादा उनको श्रेय मिलेगा इस चीज से। तो प्लीज इसको थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, झेलना तो पड़ता ही है, जैसे कि कोई इंसान, अब आप ऊपर जा रहे हैं या फिर मेरे से भी बहुत कोई ऊपर है, ऐसा नहीं है। जी तो होता ही है कि लोग आपके इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेजेस वगैरह करवाने लगते हैं कि तुम में क्या है, ये वो दिस दैट जो भी। ऐसे मेरी प्लस पॉइंट ये है कि मैं लोगों की सुनती बहुत कम हूँ, मैं हमेशा अपनी मर्जी की ही करती हूँ। अच्छा, वो मुझे कितना भी पैर खींचे, मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, मेहनत आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, देखिए कौन कितना आगे जाता है। बहुत अच्छा जवाब है आपका, ये दिल खुश हो गया। और मुझे मेरे करियर पर टाइम देने के अलावा मुझे ये फुर्सत नहीं है, मैं लोगों की सुनूं। अच्छा, इग्नोर करते चलिए, आप हमेशा आगे बढ़िएगा, बस मैं तो यही कहूंगा। इग्नोर ही चालू है अभी। एकदम एकदम। तो आप बहुत अच्छी हैं, आपसे बात करके बहुत मजा भी आया, और जितने भी हमको सुनने समझने देखने वाले लोग हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारी माही श्रीवास्तव जी को अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि यूं ही ऐसे ही बुलंदियों को छूती रहे, जगमगाती रहे हमेशा। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तो जी जी बिल्कुल। लास्ट और में जी और जी आपका बोलिए। बहुत अरे बहुत धन्यवाद कि आप। अरे, आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें, उसके लिए मुझे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। तो आप लास्ट में एक और चीज बताते जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो आपको प्यार देते हैं? बस देखिए, जितने लोग मुझे प्यार देते हैं उनको तो तहे दिल से मेरा मतलब शुक्रिया है कि मुझे जी प्यार देते रहें, और मैं आपको ऐसे ही नए नए चीज से मनोरंजित करती रहूं, कि एकदम मेरा तो मतलब है यही है कि मैं आगे भी बढ़ूं और आप लोगों का मनोरंजन भी करूं। तो जी। मैं आगे करती रहूंगी, इस पे डटी रहूंगी, और आप लोग मेरी हेल्प करें, मदद करें, सपोर्ट करें। जी और क्योंकि अभी मैं भी एक न्यू हूँ, ये सभी जानते हैं, जी और जितने भी मुझे पसंद नहीं भी करते हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर आप पसंद करते हैं तो भी हम आगे जाएंगे, और अगर आप ना भी पसंद करते हैं तो आप लोगों से मेरी बात करते हैं कि वो ऐसी है वो ऐसी है, तो भी मैं आगे ही जा रही हूँ। वाह, क्या बात है। तो दोनों को शुक्रिया है कि आप लोग ऐसे ही मुझे पसंद प्यार करते रहे हैं। जी, एकदम एकदम, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। तो अब माही जी, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, अब उम्मीद है कि अगला जो इंटरव्यू होगा आपके साथ हो। बस आप मेरे सामने में आके मेरे इंटरव्यू लीजिए। एकदम जी एकदम। तो फिर अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसके अगले बार फिर मिलेंगे बहुत जल्द माही जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा फिर माही जी, अलविदा नहीं बाय, बोलिए, बिल्कुल, ये मिलते हैं। मिलते हैं, फिर मिलते हैं। जी 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 ओके ओके बाय। बाय।